पिछले भाग में जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूं। दयाकृष्ण ने परास्त होकर पूछा, पूछकर क्या करोगे माधुरी, मैं डरता हूं कहीं तुम मुझसे घृणा न करने लगो। संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वो मेरा असली रूप ना हो। माधुरी का मुंह लटक गया, विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में तो यही अर्थ है ना कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ठीक है, वेश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए, विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे न मानोगे। नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम करने लगा। दयाकृष्ण पहले ही पहल हमले में हिम्मत छोड़ बैठा, बोला, तुम तो नाराज हुई जाती हो माधुरी, मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी, तुम्हें शायद मालूम नहीं सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं, मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला हूं, इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं। वहां जाकर जब मैंने उनके रंग ढंग देखे और उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है, लेकिन उन्हें छुड़ा तो न सका, खुद फंस गया। मेरे इस फरेब की जो चाहे सजा दो, सिर झुकाए खड़ा हूं। माधुरी का अभिमान टूट गया, जलकर बोली, तो ये कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं। मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने ना देती, तुम तो एक छुपे रुस्तम निकले। वो तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में जो एक दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत करे। दयाकृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूं माधुरी, उस देवी को कलंकित न करो। मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने कभी उसे उस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा वही भाव है जो अपने किसी आत्मियों को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है, तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई क्यों दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए। अच्छा साहब लीजिए, लीला का नाम न लूंगी, मैंने मान लिया वो सती है, साध्वी है, केवल उसकी आज्ञा से दयाकृष्ण ने बात काट दी, उसकी कोई आज्ञा नहीं थी। ओहो, तुम तो जबान पकड़ने लगे हो कृष्ण, क्षमा करो, उनकी आज्ञा से नहीं तुम अपनी इच्छा से आए होगे, अब तो राजी हुए। अब ये बताओ आगे तुम्हारा क्या इरादा है। मैं वचन तो दे दूंगी मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती, मेरा मन दुर्बल है, मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है, अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से ही हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूं, तुम मुझे अपनी शरण में लेने को तैयार हो। तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूं। मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छांव तो मिलनी चाहिए ना, वो छांव तुम मुझे दोगे। अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने हाल में मगन हूं। मैं वादा करती हूं सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध न रखूंगी, वो मुझे घेरेगा रोएगा, संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराए आतंक दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी खातिर। आगे और कुछ न कहकर वो तृष्णा भरे लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दयाकृष्ण की ओर देखने लगी। जैसे दुकानदार गाहक को बुलाता तो है पर साथ ही यह भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है, दयाकृष्ण क्या जवाब दे। संघर्षमय संसार में वो अभी केवल एक कदम टिका पाया है, इधर वो अंगुल भर जगह भी उससे छिन गई है। शायद जोर मारकर वो फिर वो स्थान पा जाए लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं है और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वो खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर मान लिया जाए कि अदम्य उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को लेकर कहां जाए, संसार क्या कहेगा, लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी, सिंगार से वो फिर आंखें मिला सकेगा। ये भी छोड़ो, लीला अगर उसे पति समझती है समझे, सिंगार अगर उससे जलता है तो जले, उसकी परवाह नहीं, लेकिन अपने मन का क्या करे। विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पक्षी की भांति फड़फड़ा कर निकल भागता है। कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है, उसके साहचर्य में अभी हमें कोई संदेह नहीं होता, वहां संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कुत्सिता संदेह का संस्कार लिए आती है, वहां विलास के लिए प्रत्यक्ष अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो माधुरी मेरी क्या हालत है,
माधुरी ने कहा, हां खूब जानती हूं, और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी? तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण? मुझे दुख होता है, तुम्हारे मन में जो संदेह है वो मैं जानती हूं, समझती हूं। मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है, समझ लिया है, अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वो उठकर वहां से जाने लगी। दया कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी, मैं सत्य कहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अभी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है ना, जिसे वेश्या शौक से करती है। तुम वेश्याओं में स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती। तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और जब वो सौभाग्य से उसे पा जाती है ना, तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है। खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, इसे वो क्या जाने जो मीठे पानी के मटके उंडेलता रहता हो। दया कृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह से एक भी शब्द न निकला। उसके मन में जो शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई थी, वो बाहर निकलकर इतनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी। उसने कपट का जो अभिनय किया था, प्रेम का जो स्वांग रचा था, उसकी ग्लानि उसे और भी व्यथित कर रही थी। सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? दया कृष्ण ने अपमान को पीकर कहा, मुझे कुछ सोचने का समय नहीं दोगी माधुरी? क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य। मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा। तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्टा हूं और तुम साधुता के पुतले हो। जब तक यह भाव तुम्हारे अंदर रहेगा, मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूं। अगर भ्रष्ट हूं तो जो लोग यहां अपना मुंह काला करने आते हैं वो कुछ कम भ्रष्ट नहीं है। तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो, तुम जो एक सरला अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो, तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो उसे ठुकरा दूं। दया कृष्ण ने लाल आंखें करकर कहा, तुमने फिर वही आक्षेप किया। माधुरी तिलमिला उठी, उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई। लीला पर आक्षेप भी असहाय है, इसलिए कि वो कुलवधू है। मैं वेश्या हूं, इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अविचलित भाव से कहा, आक्षेप नहीं कर रही हूं, सच्ची बात कर रही हूं। तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूं। तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम लीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे। मैं अपने सिंगार सिंह से ही प्रसन्न हूं। उद्धार की लालसा अब नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से खबरदार, कभी भूल कर भी यहां मत आना, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं करते। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते। जहां प्रेम है वहां किसी तरह का भेद नहीं रह सकता। ये कहने के साथ ही वो उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया। दया कृष्ण कुछ देर वहां मर्माहत सा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे उतर आया, मानो देह से प्राण निकल चुका हो। दो दिन दया कृष्ण घर से ना निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया, इसकी उसे आशा न थी। माधुरी को उसे प्रेम था, इसका उसे विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावों का जरा भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने से भी संकोच न करे, वो उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में न फंसा, नहीं तो उसकी न जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता। अब वो अपनी अनुदारता पर, अपनी संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और वो ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक न हो, विष न हो। माना समाज उसकी निंदा करता, ये भी मान लिया कि माधुरी सती भार्या न होती, कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता।
दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता, लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त। दया कृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या क्या पांव पांव ही आ रहे हो, मुझे क्यों ना बुला लिया? सिंगार ने उसे चुभती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुझसे ये पूछने आया हूं कि माधुरी कहां है, तेरे घर पर ही होगी? क्यों, अपने घर पर होगी, मुझे क्या खबर, मेरे घर क्यों आने लगी? इन बहानों से काम न चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूं मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो कहां गई है वो। मैं बिल्कुल नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तो 2 दिन से घर से निकला ही नहीं। रात को मैं उसके पास था, सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला, मैं उसी वक्त दौड़ता हुआ उसके घर गया, वहां उसका पता ना था। नौकरों से इतना मालूम हुआ तांगे पर बैठकर कहीं गई है, कहां गई है ये कोई नहीं बता सका, मुझे शक हुआ यहां आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लूंगा मुझे चैन ना आएगा। उसने मकान का एक एक कोना देखा, तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे, तब निराश होकर बोला, बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है, जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दया कृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहां से जा रही हूं, कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती, कहां जा रही हूं यह भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हूं कि इस बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है, और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिनमें तुम मुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं तुमसे पूछती हूं, उससे 1,00,000 गुने सोने और 10,00,000 गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे? कभी नहीं। उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो, लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे तो तुम्हें कभी ध्यान आता था कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो? कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता? कभी नहीं। ये उन गीदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं। ये समझ रखो, नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वो ऐसा कर रही है तो समझ लो कि वो उसके लिए और कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है, और पुरुष इतना निर्लज्ज है कि उसकी दुर्व्यवस्था से अपनी वासना तृप्त करता है, और इसके साथ ही इतना निर्दयी कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुर्वस्था में मरते देखना चाहता है। क्या वो नारी है? क्या नारित्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है? लेकिन तुम उसे उस मंदिर में घुसने नहीं देते, उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी। खैर, पुरुष समाज जितना अत्याचार चाहे कर ले, हम असहाय हैं, आत्माभिमान को भूल बैठे हैं, लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वो पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला, क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो, कोई नई बात नहीं, सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है, यही करने तो तुम उसके यहां गए थे ना। मैं कहता हूं तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई थी? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई ना की थी। इस साल भर में मैंने माधुरी पर 10,000 से कम न फूके होंगे। घर में जो कुछ मूल्यवान था वो मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया, और आज उसे साहस हो रहा है कि वो हमारी कुल देवियों की बराबरी करे। ये सब तुम्हारा प्रसाद है, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितनी बेवफा जात है, ऐसे को तो गोली मार देना चाहिए। जिस पर सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ, आज मुझे उपदेश करने चली है। जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है, कोई नया शिकार फंसा होगा, मगर मुझसे भाग कर जाएगी कहां, ढूंढ के निकाल तो लूंगा ही। कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ों नशा चढ़ जाता था। बस कोई नया शिकार फंस गया और बाकी सब पुरानी बातें भूल गई। कोई नया शिकार फंस गया होगा, अगर ये बात ना हो ना तो मूछ मुड़ा लूं। दया कृष्ण ने उसके सफाचट चेहरे की ओर देखकर कहा, भैया तुम्हारी मूछें तो पहले ही मुड़ चुकी हैं। इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया।
वो बेसरो सामान घर, वो फटा फर्श, वो टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दया कृष्ण पर दया आ गई। चोट की तिलमिलाहट में वो जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था, पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था। दर्द के साथ साथ सौहार्द भी जाग रहा था। जब आग ठंडी ही हो गई थी तो धुआं कहां से आता। उसने पूछा, सच कहना, तुमसे भी कभी प्रेम की बातें करती थी क्या? दया कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे? मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था। और सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता होगा? अब जी, ये तो अपनी अपनी रुचि है मोहनी, देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती थी। मेरे कलेजे पर तो कभी नहीं चली, यही इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड़ो। इसी शायरी ने तो ये अनर्थ किया है, तुम जैसे बुद्धुओं को किसी देहातीन से शादी करके रहना चाहिए, चले थे वेश्या से प्रेम करने। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, मगर है बेवफा मक्कार। कृष्ण ने कहा, तुमने उससे वफा की आशा की थी क्या? मुझे तो यही अफसोस है, तुमने वो दिल ही नहीं पाया, तुमसे क्या कहूं। एक मिनट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा, अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी, चाहे कोई माने या ना माने, सौंदर्य को बाजारू चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं। दया कृष्ण ने पुचारा दिया, जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं, फिर यहां तो कितनी ही जातियां हैं जिनका यही पेशा है। यह पेशा चला कैसे? स्त्रियों की दुर्बलता से? नहीं, मैं समझता हूं बिस्मिल्लाह पुरुषों ने ही की होगी। इसके बाद यकायक जेब से घड़ी निकालकर देखता हुआ बोला, ओहो, 2 बज गए और अभी भी मैं यहीं बैठा हूं। आज शाम को मेरे यहां खाना खाना, जरा इस विषय पर बातें होंगी। अभी तो उसे ढूंढ निकालना है, वो है कहीं इसी शहर में। घर वालों से भी कुछ नहीं कहा। बुढ़िया नायका सिर पीट रही थी, उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे, न जाने कहां छिप कर बैठी है। उसने उठकर दया कृष्ण से हाथ मिलाया और चला। दया कृष्ण ने पूछा, मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया ना? सिंगार ने पीछे फिरकर कहा, हुआ भी और नहीं भी हुआ, और वो बाहर निकल गया। 7-8 दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छाना, पुलिस में रिपोर्ट की, समाचार पत्रों में नोटिस छपाई, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग ना मिला। मित्र वृंद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना मुंह सा लेकर लौट जाते। सिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय ना था। गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा भट्टी बना हुआ था, खस की टाटियां भी थी, पंखा भी था, लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती, अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी। सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पैग पर पैग चढ़ा रहा था, पर अंदर की आग न शांत होती थी। इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंतःस्थल की जड़ विरक्त और अचल विचार को द्रवित करके बड़े वेग से ऊपर फेंक रही थी। माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब अपना जीवन ही बेकार सा मालूम होता था। माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी सुंदर भी। उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो गई थी। वो बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले के भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं, वे सारी भावनाएं, वे सारी मृदु स्मृतियां उन झल्लाई हुई मधुमक्खियों की तरह भनभनाती फिरती थीं जिनका छत्ता जला दिया गया हो। जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो और किससे कोई क्या आशा की जाए? इस जीवन में है ही क्या? आम में रस ही ना रहा, गुठली किस काम की? लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी। उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था। बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसके जीवन का क्रम था। वितराग सी हो गई थी, न किसी शौक से वास्ता था न सिंगार से, मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया। चाहती थी कि कुछ पूछे, लेकिन पूछे कैसे? मान जो टूट जाता, मान ही किस बात का? मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो। मान अपमान से प्रयोजन नहीं, नारी ही क्यों हुई? उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झांका, देखा सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में परों में मुंह छुपाए बैठा होता है वैसे ही। समीप आकर बोली, मेरे मुंह पर तो ताला डाल दिया गया है, लेकिन क्या करूं, बिना बोले रहा नहीं जाता। कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है?
तबीयत तो अच्छी है ना? सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई, उनमें व्यथा भरी हुई थी। कहा, तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती लीला? आपकी जो आज्ञा, पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ऐसे बेहयाओं की मौत भी नहीं आती। अब इस जीवन से जी भर गया है, कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं। तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। अरे वाह, आपको मेरी इतनी चिंता हो रही है। देखो, अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ। मैंने इस घर की चीजों को अपना समझना छोड़ दिया है। देखो, मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूं, न जाने कब लौटूं। तुम यहां अकेले कैसे रहोगी? कई महीने के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी। मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ था, तुमसे हुआ था। जहां तुम रहोगे मैं वहीं रहूंगी। मेरे साथ तो अब तुम्हें सिर्फ रोना ही मिलेगा। लीला ने देखा सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंद नीले आकाश में जैसे चंद्रमा की तरह गिरने गिरने को हो रही थी। उसका मन भी पुलकित हो उठा। महीनों की क्षुधाग्नि में जलने के बाद अत्र का एक दाना पाकर वो कैसे ठुकरा दे? पेट नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी? उसने बिल्कुल पास आकर अपने अदब चाल को उसके समीप ले जाकर कहा, मैं तो तुम्हारी हो गई। हंसाओगे, हंसूंगी, रुलाओगे, रोऊंगी, रखोगे तो रहूंगी, निकालोगे तो भी रहूंगी। मेरा घर तुम हो, धर्म तुम हो, अच्छी हूं तो तुम्हारी हूं, बुरी हूं तो तुम्हारी हूं। और दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर में। दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी, आंखों में हर्ष के आंसू और मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें न जाने कहां उड़ाए लिए जा रहा था। एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा, तुमने कुछ सुना? माधुरी भाग गई और पगला दयाकृष्ण उसकी खोज में निकला है। लीला को विश्वास ना आया। दयाकृष्ण? हां जी, जिस दिन वो भागी है ना, उसके दूसरे ही दिन वो भी चल दिया। वो तो ऐसा नहीं है। और माधुरी क्यों भागी? दोनों में प्रेम हो गया था, माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी और वो राजी ना हुआ। लीला ने एक लंबी सांस ली। दयाकृष्ण के वो शब्द याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे। दयाकृष्ण की वो याचना भरी आंखें उसके मन को महसूसने लगी। सहसा किसी ने बड़े जोर से दरवाजा खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया। सिंगार ने चकित होकर कहा, अरे तुम्हारी ये क्या हालत है कृष्णा, किधर से आ रहे हो? दयाकृष्ण की आंखें लाल थी, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई, चेहरे पर घबराहट जैसे कोई दीवाना हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना, माधुरी इस संसार में नहीं रही, और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देना चाहता हो। धन्यवाद। यह पहली कहानी थी जिसमें हमने कोशिश की कि इसे दो पार्ट में डालें, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है और कई दफा ऐसा होता है, कुछ मैसेजेज हमें मिले थे कि इतनी लंबी कहानी को एक बार में सुन नहीं पाते हैं। तो मैंने ये कोशिश किया कि कहानी का ड्यूरेशन हम उतना ही रखें जिससे आपका आनंद बना रहे, और किसी भी कहानी का, अगर वो कहानी बड़ी है तो उसका एक हिस्सा है एक भाग में और दूसरा हिस्सा दूसरे भाग में सुनाए। तो ये आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सुनते रहिए मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ मेरे यानी नीरज पांडे के साथ।